शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ आज की जो मेन है वो देखने वाले हैं पंजाब की गवर्नमेंट से रिलेटेड। कोई भी सरकार हो, ज़्यादातर देखा जाए ना तो धर्म को टारगेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, धर्म को टारगेट करने का मतलब ये है कि कैसे करके हम धर्म के बहाने से लोगों के वोट को हासिल कर सकें। कोई भी गवर्नमेंट हो वो ये काम ज़रूर करती है। यहाँ पर हम पार्टिकुलरली बात कर रहे हैं पंजाब की आम आदमी पार्टी। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो पंजाब में नई सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की। अब इन्होंने अच्छा कदम ये उठाया है कि जो सिख लोग हैं, सिख समुदाय हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये कुछ काम करना चाहते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि कोई एक टीवी चैनल या फिर कोई एक व्यक्ति ही क्यों गुरुबाणी को प्रसारित करेगा, बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी हम इस चीज़ की छूट देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक कानून लेकर के आया, पुराना जो लॉ चल रहा था उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस करे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, हिस्ट्री में और भी कुछ महत्वपूर्ण पैक्ट हुए हैं सिख समुदाय और सरकार के बीच में, तो उन पैक्टों का ध्यान मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं दिया गया है, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि यदि आप सिख धर्म से रिलेटेड कोई भी रेजोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो कमेटी बनी हुई है सिख समुदाय लोगों की, उनके साथ में आपको बातचीत करना पड़ेगा, उनकी वोट हासिल करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कोई रेजोल्यूशन ला सकते हैं। अब आप लोग सिख समुदाय की कमेटी से बात ही नहीं कर रहे हैं और सीधे अपने हिसाब से काम करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है विरोध होना तय है, और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिख गुरुद्वारा बिल जो लेकर के आया गया है, इसको या तो आप वापस लीजिए, और वापस नहीं ले रहे हैं तो फिर आप जो है इसका जो परिणाम भुगतना है आपको उसके लिए तैयार रहिए, ऐसा कहना है एसजीपीसी का। एसजीपीसी क्या है? सिख लोगों की एक समुदाय, एक ग्रुप है, कमेटी है। शिरोमणि गुरुद्वारा, क्या नाम है इसका पूरा? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने मंडे के दिन एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके अंतर्गत इन्होंने आलोचना करी है पंजाब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में। एट स्पेशल जनरल सेशन हेल्ड इन अमृतसर, अमृतसर में इसका एक जनरल सेशन बुलाया गया था, तो यहाँ पर ये बात निकल करके सामने आई है। आम आदमी लीड गवर्नमेंट, इसके साथ साथ में ये जो बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास, तो आम आदमी पार्टी मैनेजमेंट करती है, इसके अलावा जो बॉडी बनाई गई है वो गुरुद्वारास का मैनेजमेंट करने का काम करती है। तो दोनों के बीच में आप देखेंगे 20 जून से ही हमें झड़प देखने को मिल रही है, विरोध देखने को मिल रहा है। स्टेट की असेंबली ने पास किया था सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2023, जिसका उद्देश्य है कि जो गुरुबानी प्रसारित करी जाती है उसको हम फ्री करें, फ्रीइंग द राइट्स टू टेलीकास्ट गुरुबानी फ्रॉम गोल्डन टेंपल। पहले गोल्डन टेंपल से ही गुरुबानी को प्रसारित किया जा सकता था, टेलीकास्ट किया जा सकता था, ये एक अधिकार था, कहीं और से नहीं हो सकती है, कोई और चैनल नहीं कर सकता है। गुरुबानी ब्रॉडकास्ट के जो अधिकार हैं वो ग्रांटेड किए गए हैं एसजीपीसी के द्वारा एंड आर करेंटली विद जी नेक्स्ट मीडिया। कौन सा चैनल दिखाता है इसको? जी नेक्स्ट मीडिया प्रसारित करता है, पीटीसी चैनल जिसको बोलते हैं, विच इज ओन्ड बाय शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है, शिरोमणि अकाली दल के जो मुखिया हैं उन्हीं का यह चैनल है और वही केवल इसको प्रसारित करता है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि एक ही चैनल क्यों इसको प्रसारित करेगा, क्या बाकी लोग इसको नहीं प्रसारित कर सकते हैं? तो ये अधिकार उन्होंने यहाँ पर देने की बात करी थी। इस रिजोल्यूशन के हिसाब से यदि देखा जाए, ठीक है, गवर्नमेंट लीड बाय चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैज़ बीन आस्क्ड टू विथड्रॉ द सिख गुरुद्वारा
तो ये उनके बारे में बताया जाता है कि उनको क्या थ्रेट्स मिल रहा है, क्या चीज़ धमकी मिल रही है, क्या चीज़ वो फेस कर सकते हैं। एसजीपीसी की प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी का कहना है, अमेंडमेंट टू द सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 वाज पॉसिबल ओनली विद द बॉडीज रिकमेंडेशन। जब तक ये कमेटी रिकमेंडेशन नहीं करेगी तब तक 1925 के कानून में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा कमेटी के लोगों का कहना है। यदि आप किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं इस कानून में, तो आपको कम से भी कम 2/3 मेंबर्स के वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी ऑफ द एसजीपीसी जनरल हाउस, कैन नॉट बी इग्नोर, और आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं मैप वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मैप और उसके फैक्ट के बारे में। आज जो मैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हिंद महासागर का मैप दिखाई दे रहा है, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन ओशियन बोलते हैं। कई कई बार क्या है ना, यूपीएससी ने यहाँ पर लोकेटेड कुछ जो द्वीप वाले देश हैं उनके मैप के बारे में पूछा था। जैसे कि यहाँ पर हमको ये इसका पिक्चर बना के दे देगा, मालदीव के जो द्वीप यहाँ पर फैले हुए हैं उनका पिक्चर बना हुआ दिखाई देगा, सेसेल्स का पिक्चर यहाँ दिख रहा है और मॉरिशस का पिक्चर दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर इनके नाम बताना है कि ए में कौन सा है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है, डी में कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैप पर आधारित द्वीप में पूछे गए हैं हिंद महासागर से। तो ये जो आपको डार्क ब्लू कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण द्वीप हमको दिखाई देते हैं जैसे कि मेडागास्कर है, आप पूरे यहाँ पर हिस्से को देख लीजिए तो मेडागास्कर यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप हमको दिखाई दे रहा है। मालदीव है, सिसेल्स है, मॉरिशस है, ये प्रमुख प्रमुख, और कोमरोस, ये कुछ फेमस फेमस यहाँ के कुछ द्वीप हमको दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, यदि आप हिंद महासागर के नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं, यदि आप हिंद महासागर के उत्तर की तरफ में जाएंगे तो एशिया महाद्वीप पड़ता है, दक्षिण की तरफ में यदि आप जाते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप, और पूर्व की तरफ में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसके, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ में आप जाते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। ये इसको आप एक अर्ध महासागर के तौर पर कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो टोटल एरिया है वो काफ़ी हमको विशाल दिखाई दे रहा है, एक तरफ प्रशांत महासागर से और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से ये मिला हुआ है। तो आप देखेंगे यदि आप लेफ्ट हैंड की तरफ में जा रहे हैं तो अटलांटिक ओशियन पड़ जाएगा, और आप राइट हैंड साइड की तरफ में जाते हैं तो प्रशांत महासागर पड़ जाता है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है, कर्क रेखा इसकी सीमा बनाती है नॉर्थ की तरफ में, ठीक है। यदि आप इसके नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं तो हमको कर्क रेखा देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर तो बना नहीं है, दूसरे वाले मैप में हम देखेंगे कर्क रेखा को, ठीक है। इसके अलावा इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीपों के कुछ एग्जाम्पल हैं। कहाँ कहाँ पर हमको प्रवाल द्वीप देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप और मालदीव में। इसके अलावा जो मॉरिशस और रीयूनियन की हमने बात करे हैं, ये मॉरिशस है, रीयूनियन फ्रांस, ये जो द्वीप यहाँ पर बने हैं वो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बने हुए हैं, ज्वालामुखी निकला था इसी के चलते चलते बने हैं। हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के पूरब में मॉरिशस पड़ता है। यदि आप मेडागास्कर के पूरब में जाएंगे तो मॉरिशस पड़ेगा, मेडागास्कर के यदि आप पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। वहीं यदि देखा जाए तो इस महासागर में वास्तविक तट सागर दो ही हैं, कौन कौन से हैं, लाल सागर और फारस की खाड़ी। ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये लाल सागर है, और ये रही आपकी फारस की खाड़ी। तो तटवर्ती सागर के तौर पर देखा जाए तो दो ही यहाँ पर पड़ते हैं, एक फारस की खाड़ी है और दूसरा
लाल सागर है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हो गया अरब सागर और ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी, इनको भी सागर की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ये हिंद महासागर के नॉर्थ में एक्सटेंशन बस है कि हिंद महासागर ये नॉर्थ में इधर तक बढ़ गया है, इधर तक बढ़ गया है, तो इसको हमने सागर बोल दिए हैं। इसके अलावा डियागो गॉर्सिया द्वीप इसी महासागर में पड़ता है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल आज का हमारा रहेगा, भारत और इजिप्ट के रिलेशन को ये बताता है, ठीक है। तो मिस्र और भारत के रिलेशन इतिहास में कैसे रहे हैं और आज के टाइम में गवर्नमेंट इनको कितना बढ़ावा दे रही है, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा जा गया है। कौन कौन से फोकस वाले यहाँ पर बिंदु रहेंगे, ये इजिप्ट का मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इजिप्ट की जो सबसे फेमस चीज़ है यहाँ के पिरामिड और यहाँ से होकर के गुजरने वाली नाइल रिवर, और ये रहे इजिप्ट की कैपिटल कायरो। समुद्र के किनारे आप देखेंगे तो अलेक्जेंड्रिया है और ये इसकी फेमस एक और चीज़ है लोकेशन, वो है स्वेज कैनाल जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने का काम करती है। इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप का इतिहास यदि हम देखें, द हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, टू ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माने जाते हैं। इनको हम ट्रेस कर सकते हैं इनके रिलेशन को एट लीस्ट टाइम ऑफ एम्परर अशोका, तो अशोक के कार्यकाल से ही हम देखेंगे भारत और इजिप्ट के रिलेशन जारी रहे। अशोकास एडिक्ट रिफर टू हिस रिलेशन विद इजिप्ट अंडर प्लूटो पीटोलमी 2। तो अशोका का जो एडिक्ट्स है, एडिक्ट्स का मतलब होता है शिलालेख, इसके शिलालेखों में इजिप्ट के जो संबंध रहे थे उस टाइम में, उनके शिलालेख में हमको देखने को मिल जाता है। मॉडर्न टाइम्स की यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी एंड इसके साथ साथ में इजिप्टियन जो रिवोल्यूशनरी हैं साद जगलोल, इन्होंने शेयर किया था कुछ कॉमन गोल ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। हमारे देश में महात्मा गांधी ने और वहाँ पर इजिप्ट के रिवोल्यूशनरी साद जगलोल, इन्होंने एक शेयर किया था कॉमन टाइप का गोल। इसके साथ साथ में यदि हम देखें जॉइंट अनाउंसमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन एम्बेसी के लेवल पर 18 अगस्त 1947 से ही चालू किए गए थे भारत और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। यदि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करते हैं, इंडिया और इजिप्ट ने साइन किया था एक फ्रेंडशिप ट्रीटी 1955 में, फिर 1961 में इंडिया और इजिप्ट, इसके साथ साथ में योगोस्लाविया इंडोनेशिया घाना, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था मिलकर के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। फिर 2016 में जॉइंट स्टेटमेंट आया था इंडिया और इजिप्ट के बीच में आइडेंटिफाइड पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है, जिसमें पहचान करी गई थी कि कैसे करके हम पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंगेजमेंट ला सकते हैं, इसके अलावा वैज्ञानिक कोलाब्रेशन होना चाहिए, कल्चरल एंड पीपुल टू पीपुल टाइज एज द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फॉर न्यू एरा। तो इस प्रकार से इजिप्ट की रिलेशन भारत के साथ में रहे हैं। अब चलते हैं हम एडिटोरियल की तरफ में। इंडिया एंड इजिप्ट हैव री एस्टेब्लिश्ड क्लोज टाइज इन रिसेंट ईयर, यदि हमें कभी लिखने के लिए आता है तो जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी प्रकार का रहेगा कि भारत और इजिप्ट में हाल के सालों में यदि देखा जाए तो अपने जो संबंध हैं उनको फिर से परिभाषित करने की, फिर से स्थापित करने की कोशिश करी है। तो डिसीजन लिया गया था इंडिया और इजिप्ट के द्वारा कि हम अपग्रेड करेंगे हमारे दोनों देशों के संबंध को टू ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, हम हमारे संबंधों को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप लेवल तक लेके जाएंगे। इस मामले में दोनों देश सहमत हो गए हैं।
और ये बात सामने निकल करके आई थी प्राइम मिनिस्टर की हाल फिलहाल की जो मीटिंग रही थी इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी के साथ में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इंडिया की जो टाइस हैं वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन के साथ में, ठीक है, वो चाहते हैं कि कैसे करके हम हमारे संबंध को बेहतर कर सकें। यहाँ पर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का बार बार उल्लेख किया जाता है, बार बार हम ये वर्ड देखते रहते हैं। तो जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है इसमें चार की एलिमेंट पर संबंध स्थापित करने की कोशिश करी जाती है, पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के ऊपर यहाँ पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। भारत और इजिप्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके रिलेशन को हम इतिहास में देख सकते हैं, जैसे कि 1955 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी। इसके अलावा इंडिया ने सपोर्ट किया था इजिप्ट को, कब, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द स्वेज कैनाल क्राइसिस इन 1956। तो 1956 में जो स्वेज कैनाल क्राइसिस आया था उस दौरान इजिप्त की सहायता करी गई थी भारत की तरफ से। इसके अलावा हम देखते हैं कि दोनों जो देश हैं उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू किया था 1961 में, विथ बोथ एज फाउंडर मेंबर्स के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ साथ में देखा जाए तो दोनों के दोनों ही जो हैं G77 ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एंड साउथ कोऑपरेशन इनिशिएटिव में शामिल हैं। कोल्ड वार के दौरान में इंडिया और इजिप्त दोनों ही एक हो गए थे और उनकी ये इच्छा थी कि हम किसी के फॉलोअर नहीं बन करके रहने वाले, ना तो हम अमेरिका की तरफ में जाएंगे और ना ही हम सोवियत यूनियन रशिया की तरफ में जाने वाले हैं। हाल फिलहाल में हम देख सकते हैं दोनों देशों ने किस प्रकार से एक सा स्टैंड लिया था यूक्रेन वार को लेकर के। दोनों देशों ने ना तो रशिया को क्रिटिसाइज किया था, रिफ्यूजिंग टू क्रिटिसाइज रशियास एक्शन बट नॉट कंडोनिंग देम देयर आइदर एंड कॉलिंग फॉर ए डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन। भले ही उन्होंने रशिया की आलोचना नहीं करी लेकिन कुल मिलाकर के दोनों देश चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए और दोनों देश डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन लेकर के आए। इसके बाद भारत का हाल फिलहाल में एक डिसीजन रहा था कि हम इजिप्ट को गेहूँ एक्सपोर्ट करेंगे, तो यूक्रेन और रसिया के क्राइसिस के चलते चलते इजिप्त में गेहूं की भारी मांग हो गई थी। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम इजिप्त को अपना गेहूं बेचेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो दोनों जो देश हैं वो कुछ और सेक्टर जहां पर क्लोज़र कोऑपरेशन करने की बात करते हैं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करना है, फार्मास्यूटिकल है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी, एंटिक्विटीज एंड कॉम्पिटिशन लॉ, तो इन सब मुद्दों के ऊपर ये चर्चा करना चाहते हैं। इसके साथ साथ में देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुस्लिमों की भी खबर ली गई, क्योंकि वो अल हाकिम मॉस्क भी गए एंड मीटिंग विद इजिप्ट ग्रांड मुफ्ती। कहाँ कहाँ गए वो? अल हाकिम मॉस्क, इजिप्ट का ग्रांड मुफ्ती, appeared to be an attempt to dispel misgiving about his government's policies toward the Muslim world. देश दुनिया ये कहती है कि मुस्लिमों के लिए सरकार गलत पॉलिसी लेकर के आ रही है, उनके लिए काम नहीं कर रही है, तो इस चीज़ को वो आईना दिखाने के लिए वहाँ पर गए थे। वहीं यदि हम बात करें तो इजिप्ट की तरफ से भारत को क्या प्रोवाइड किया गया है, तो इजिप्ट नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द नाइल, यहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रोवाइड किया था। इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर माना जाता है। इट इज़ गिवन टू द वर्ल्ड लीडर्स एंड दोस हु ऑफर इजिप्ट और ह्यूमैनिटी इन वैल्यूएबल सर्विस। किनको दिया जाता है ये? इजिप्ट वाले को दिया जाएगा या फिर ऐसे लोग जो कि ह्यूमैनिटी के रूप में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ में कौन कौन से मुद्दे रहे थे जिनके ऊपर चर्चा करी गई थी? दोनों देशों ने, ठीक है, जो स्पेशल किन मुद्दों पर चर्चा, और इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि अगली बार ये कब मिलने वाले हैं। तो स्पेशल इनवाइटी के तौर पर इजिप्ट को बुलाया जाएगा G20 की समिट जो कि नई दिल्ली में सितंबर में चल रही है।
दोनों के दोनों जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने काफ़ी टाइम पीरियड टाइम स्पेंड किया था, खर्चा किया था, काफ़ी टाइम तक बातचीत करते रहे थे, जिसमें फोकस किया जाता मल्टीलेटरल इशूज से। इसके अलावा इंडिया की जो क्लोज टाइज है इजिप्ट की नेबरहुड के साथ में, मतलब स्पेशली इसराइल सऊदी अरबिया के साथ में कैसे हैं। इसके अलावा मार्च के महीने में इजिप्ट ने ज्वाइन किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को, जिसको सेटअप किया गया है ब्रिक्स के द्वारा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के द्वारा, एंड इज कीन टू ज्वाइन दिस ग्रुपिंग दैट विल डेलिब्रेट न्यू मेंबरशिप एट इट्स समिट इन केप टाउन दिस अगस्त, वेयर इजिप्ट विल सीक इंडिया सपोर्ट। इसके अलावा इस ग्रुप को यदि इजिप्ट ने ज्वाइन किया है तो देखा जाए ना, इसको यदि वो ज्वाइन करेगा ना, तो यहाँ पर इंडिया के उसको सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है।